अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी। आज जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको कोई ना कोई एक भी फ्रॉक पसंद आए तो आप ज़रूर स्टिच कीजिएगा, बनाइएगा या बनवाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अंदाज के कुछ ड्रेसेस हैं जो कि बैक डिज़ाइनिंग आजकल बहुत इन है, और ज़्यादातर फ्रॉकों में आप कहीं भी देखें तो आपको बैक की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी, क्योंकि बैक पे बो लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, या लेसिस की मदद से क्रॉस स्टेप वाला फ्रॉक भी बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रंट भी इस तरह से फ्रिल वाला बना लें और बहुत ही अच्छे अंदाज से तैयार होगा, और इस तरह से स्लीव्स में इस तरह की फ्रिल लगी हुई ऐसे ही बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके पास छोटे छोटे पीसीज हैं तो आप उनकी मदद से देखें कितने प्यारे अंदाज से ये फ्रॉक तैयार किया गया, लग ही नहीं रहा कि पीसीस की मदद से तैयार किया, ऐसा लगता है स्पेशल आपने ये खुद फ्रॉक तैयार करवाया होगा। और इस तरह से फ्रॉक आप रेडी कर सकती हैं इजीली। कुछ फ्रॉक तो बहुत ही आसान तरीके से तैयार किए जाते हैं जो आप लोग भी खुद भी रेडी कर सकती हैं घर में ही इजी ट्रिक के साथ। अलीना फैशन डिज़ाइनर पे आप देख रहे होंगे कटिंग स्टिचिंग, और फेमिता फैशन बुटीक पे भी आपको मिल रही है बच्चों की फ्रॉकों की कटिंग, जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ। मैं सोचती हूँ साथ ही आपको भी वो वीडियो बनाकर दिखा दूँ ताकि आप भी वही सीख लें जो मैं स्टूडेंट को सिखा रही होती हूँ। इस तरह से वो भी बिगनर्स हैं, अगर जो मेरे चैनल के बिगनर्स हैं वो भी सीख सकें आसानी के साथ, आसान आसान से ट्रिक बचे हुए पीसीस की मदद से और नेट फैब्रिक की मदद से भी देखें। इतने अच्छे तरीके से आप इस तरह के फ्रॉक भी रेडी कर सकती हैं फ्लेयर सिर्फ कंट्रास्ट और नेट फैब्रिक को बनाकर, और इस तरह से फ्रॉक देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तीन कलर में आप बचे हुए पीसीस की मदद से ऐसे रेडी करें फ्रॉक और बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश लगेगा। अगर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी कर लें या करवा लें, एप्लिक वर्क कर लें, तो और भी फ्रॉक में खूबसूरती इस तरह से आ सकती है। कुछ लोगों को नेट फैब्रिक के साथ कॉटन फैब्रिक, लॉन फैब्रिक लगाकर फ्रॉक को खूबसूरत बनाने की ट्रिक बहुत ज़बरदस्त आती है। वो इस तरह के फ्रॉक इजी ट्रिक से बना सकते हैं अगर उन्हें शौक है प्यारे प्यारे फ्रॉक बनाने का। तो सिल्क फैब्रिक भी आजकल यूज़ हो रही है लॉन कॉटन फ्रॉकों के बो और बेल्ट के तौर पर, बो बना लें, बेल्ट बना लें, या खूबसूरत से फ्लावर बनाकर फ्रॉक को और भी खूबसूरत बना लें। इस तरह से वो लॉन फ्रॉक ज़रूर होगा लेकिन वो पार्टी वेयर भी शो करेगा। ईद का मौका जब आता है और पार्टी भी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग चाहते हैं हमारे बच्ची के कुछ इस तरह के फ्रॉक बने कि वो कंफर्टेबल भी हों और बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश भी हों। अगर उनमें हल्की हल्की सी कैन कैन लगा ली जाए तो फ्रॉक में और भी खूबसूरती आ सकती है अगर आप चाहें तो। और अगर सिल्क फैब्रिक में हल्की हल्की सी कोई स्ट्रिप्स लगा लें और उस पर फ्लावर या बो लगाकर फ्रॉक को और भी खूबसूरत आप बना लें, और इस तरह से फ्रॉक और भी प्यारा लगेगा और वो पार्टी वेयर की लुक देगा। बैक की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको बैक की ट्रिक देखनी है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, और अलीना फैशन डिज़ाइनर पर भी बैक फ्रॉक की डिज़ाइनिंग लगी हुई है कटिंग स्टिचिंग के साथ, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे।